में डेंगू तेजी से पांव पसारता जा रहा है। डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी में डेंगू विस्फोट हुआ है और एक दिन में डेंगू के 353 नए केस सामने आए हैं। पटना में लगभग 5000 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से डेंगू की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। बिहार में डेंगू का कहर, जी हाँ, बिहार में डेंगू के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं और लगातार बढ़ रहा आंकड़ा डराने लगा है। पटना में खास करके जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो अब परेशान करने लगे हैं। आप देखिए किस तरीके से अस्पताल में पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार बाहर से पेशेंट्स आ रहे हैं और ये जो परेशानी है पटना या यूं कहें कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जो पेशेंट्स की संख्या है वो किस तरीके से बढ़ी है। सिर्फ बात करें इस वक्त पटना में, तो पटना में 123 लोगों की जांच पीएमसीएच में की गई थी, जिसमें 74 लोग डेंगू पॉजिटिव आए थे शनिवार के दिन। वहीं एनएमसीएच में 130 में 57 लोग पॉजिटिव आए थे। तो पीएमसीएच और एनएमसीएच की रिपोर्ट हमने बताई आपको। आईजीएमएस की बात करें तो वहां 31 केस मिले थे। पटना में अब तक 4587 केस डेंगू के पॉजिटिव मिल चुके हैं। तो आप सहज अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से, और लगातार जो पेशेंट्स के आने का सिलसिला है अस्पताल में वो जारी है। सिर्फ डेंगू वार्ड में एनएमसीएच और पीएमसीएच के डेंगू वार्ड में हम जहां पर मौजूद हैं, ये पीएमसीएच का डेंगू वार्ड है। इस टाटा वार्ड में पीएमसीएच के डेंगू के मरीज और 100 से ज़्यादा मरीज इस वक्त डेंगू वार्ड में भर्ती हैं। तो आप देखिए जो डेंगू वार्ड में मरीज हैं वो भर्ती हैं पीएमसीएच में इस वक्त 100 से ज़्यादा, एनएमसीएच में 100 से ज़्यादा। पटना में जो नए आंकड़े आए हैं उसमें अजीमाबाद अंचल में सबसे अधिक 43 डेंगू मरीज मिले हैं, बाकीपुर में 40 डेंगू मरीज मिले हैं, कंकड़बाग में 20 मिले हैं, इसी तरीके से पाटलिपुत्रा में भी 3 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 150 से 200 नए मरीज मिल रहे हैं सिर्फ पटना में। 170 मरीज शनिवार को पटना में मिले हैं और डेंगू के मरीजों की बढ़ रही संख्या अब परेशान करने लगी। अस्पताल में बढ़ रही भीड़ इस बात का सूचक है कि कैसे जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं डेंगू वार्ड है और यहाँ पर देखिए पेशेंट्स के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। आपको बाहर स्ट्रेचर पे पेशेंट्स दिखेंगे, तो पूरी तरह से वार्ड जो है वो फुल है, पूरी तरह से वार्ड भर चुका है और पेशेंट सिर्फ पटना से नहीं पटना के बाहर से भी आ रहे हैं। तो अब तक सिर्फ पटना जिले में 5000 के आसपास मरीज मिल चुके हैं पॉजिटिव, और अगर यही परिस्थिति बनी रही तो आने वाले वक्त में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। पटना में एक डेंगू से एक युवक की मौत भी हुई है एक दिन पहले, तो अब डेंगू से मौत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये आंकड़े ये बताते हैं कि कैसे पटना में अब डेंगू का कहर बढ़ रहा है। देखिए लगातार जो पेशेंट हैं वो बाहर से एम्बुलेंस से लाए जा रहे हैं, तो डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनके आने का सिलसिला किस तरीके से जारी है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गेट पर सभी लोगों के जाँच की जा रही है कितनी कड़ाई से, क्योंकि ये डेंगू वार्ड में बढ़ रही भीड़ जो है, देखिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और डेंगू के बढ़ रहे पेशेंट्स अब ये बता रहे हैं कि अब आपको खुद को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, अस्पताल परिसर साफ रहे। देखिए अस्पताल में भी आपको हम इस पीएमसीएच अस्पताल की तस्वीर भी दिखा देते हैं, साथ में डेंगू वार्ड के बाहर किस तरीके से जो कचरे हैं अब उनका डिस्पोजल हो ये ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पर जो कचरे के डब्बे हैं वह ऐसे ही पड़े हुए हैं, शौचालय ऐसे ही खुले हुए हैं, तो इन सब जगहों पर सफाई हो, इन सब जगहों पर नियंत्रण हो बेहतर तरीके से, तभी हम डेंगू की रोकथाम कर पाएंगे, क्योंकि अस्पताल में लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं और अगर इस तरीके की परेशानी बढ़ी रहेगी तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये डेंगू का विस्फोट है किस तरीके से पटना में हो सकता है। बड़ी जल्दी सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पीएमसीएच, पटना। सिवान में